दोस्तों, चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता अपने काफिले के साथ, यानी अपने तमाम नेता नगरी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और ये खबर जो है सामने आ रही है, कहा जाता है कि जब नाव डूबती होती है ना, तो कोई भी उस पर सवार होना नहीं चाहता, सब लोग पड़ोस की नाव पर सवार होने का प्रयास करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपके सामने हम खबर रखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि ये नेता जो हैं वो कौन हैं और किस तरह से इन्होंने कांग्रेस में वापसी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे पहले भी कांग्रेस में थे? जी हाँ, इससे पहले भी कांग्रेस में थे और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए थे और अब फिर से इन्होंने यू टर्न लिया है और फिर से घर वापसी करते हुए कांग्रेस में पहुंचे हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका, सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए बैजनाथ यादव की कांग्रेस में वापसी। ये बैजनाथ यादव हैं। बैजनाथ 400 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, 400 गाड़ियों के काफिले के साथ, तमाम उनके पीछे समर्थक और तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने सभी के साथ जो है कांग्रेस की सदस्यता ली है। एक बार आप ये वीडियो देखिए किस तरह से है इनका जब काफिला, ये ऐसा लग रहा है कि ये जो जा रहे हैं ना, ये काफिला कहीं और का है, हालांकि ये काफिला इन्हीं का ही है। जब ये कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे थे, ये उस वक्त का काफिला है और 400 गाड़ियों के साथ ये कांग्रेस दफ्तर पहुँचे और इन्होंने वहाँ जा कर के शपथ ली है दोस्तों। तो आगे खबर क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बैजनाथ यादव बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। शिवपुरी के बैजनाथ यादव 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। बैजनाथ यादव के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बैजनाथ यादव और उनके समर्थकों को दिग्विजय सिंह समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई। अब इस पूरे जो सदस्यता अभियान ये चलाया गया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद ही करीबी माने जाने, यानी उनके साथ उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, बेहद करीबी थे, और अब उन्होंने फिर से घर वापसी करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ली है और साथ अपने तमाम जो है 400 गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यकर्ता आए थे, उनको भी कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट आया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीजेपी नेता वैजनाथ सिंह यादव जी ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश से जंगल राज को मिटाने के इस अभियान में आपका स्वागत है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जो है कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष हैं कमलनाथ और पूर्व सीएम हैं, उन्होंने सदस्यता दिलवाई है। तो अब इस जैसे ही ये खबर सामने आई है तो लोगों को लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में दरअसल जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और अब मध्य प्रदेश के लिए भी वो तैयार हो जाएं। इसीलिए लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता उस डूबती हुई कश्ती से उछलकर कूदकर जो है इधर आ रहे हैं, इसलिए ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो आसान नहीं है। वहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या जीतने के लिए जा रही है? क्या ये संदेश मान लिया जाए? क्या ये जीत का एक इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वापसी कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस के नेता जो है फिर से वापसी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, और ये जो नेता वापस आए हैं ये अपने आप में कद्दावर नेता हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हैं और 400 गाड़ियों का काफिला लेकर अपने तमाम सैकड़ों हज़ारों जो समर्थक हैं उनके साथ इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। बहरहाल, इस खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट जानकारी के लिए AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।